भाई तू घर पे नहीं था तब, लेकिन घर पे था यार तू। तू जब आया था ना उसके एक दिन बाद ही आई थी भाई, बट तू चला गया था तब मेट्रो से घर। तो भाई फरीदाबाद में भी चक्कर लगेंगे, उनका कार्यालय जो है ना वो फरीदाबाद में भी पड़ता है, तेरे घर भी रेड आएगी भाई। तू जॉय को दिखा दियो, जेनविन सर जेनविन गुड यार। सरकेस्टर ब्रो इसने तुझे गाली दी, कौन है सरकेस्टर? अच्छा सरकेस्टर सरकेस्टर भाई, मेरा जेनविन अकाउंट है, सही है भाई। यार अपने दोस्तों को क्यों टैग करे जा रहे हो आप लोग? मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ यार, आप अपनी बैग को मत बुलाओ, मुझे बैग से डर लगता है यार। आप अपनी गैंग बुला रहे हो फिर? अब मैं तो शिकार करूँ सुअर का। सही है भाई, बढ़िया है। पोकेबॉल न्यूज बॉय रोस्ट, अरे बहन चोद, सही है भाई, बढ़िया है। क्या हो गया भाई, कोई सोनी कुड़ी नहीं आ रही क्या जिसके लिए मम्मी रिवील करूँ आज? भाई नहीं यार, मतलब उल्टा नहीं यार, बट जेनुइनली यार हाय। आओ भाई दिखाता हूँ तुमको, मैं कर क्या रहा था इससे पहले, स्ट्रीम से पहले मैं एक गेम खेल रहा था, गेस करो कौन सी। रुको यार जेल वाला फिल्टर लग जाए। आई वॉज प्लेइंग दिस गेम, RDR 2 खेल रहा हूँ भाइयों मैं। जी हाँ, काफी दिनों बाद मैंने कोई गेम चालू करी और मैं काफी खुश हूँ भाई गेम खेल के। RDR 2 तुम भी खेलो, बढ़िया गेम है, मतलब मुझे अच्छा लगा खेल के। RDR रेड डेड रिडेम्पशन, लाल मौत, क्या बोलते हैं रिडेम्पशन को, मोचन, लाल मौत मोचन, यस दैट्स व्हाट इट इज, लिबरेशन। गूगल करा मैंने लूडो किंग। अबे भग जाए यहां से भाई यार। आज भी ना मेरे को सुबह सुबह, आज सुबह की बताता हूँ तुमको भाई, आज सुबह सुबह मैं उठा हूँ, मेल वेल तो बाद में चेक होते हैं, पहले व्हाट्सएप चेक होता है। अब तो व्हाट्सएप पे ना एक अननोन नंबर से आ रखा था मैसेज, वाओ वन एक्स बेट की करोगे? मैं कह रहा हूँ यार ये पक्का ट्रोल है, स्पॉन्सर है भी नहीं। बट मैं जैसे जैसे फिगर आउट करता रहा, पूरा दिन बीतता रहा कि भाई कुछ तो बोलेगा कुछ तो बोलेगा, और वो सही में स्पॉन्सर ही था। वो ऐसी बात करते हैं साले, स्पॉन्सर वाले भी ऐसी बात कर रहे हैं। वाओ कर लो A1X Bet की कर लो, दो वीडियो लाए हैं आपके लिए। नहीं भाई हो सकता है स्ट्रीम पे ही बैठा वो बंदा, जगह तो रिलीज कर दे भाई, सूट तो कर लूं या पहली ऐसी ऑडियो दे दूं ताकि दो छपरी हाईलाइट वालों पे कॉपीराइट मार के बड़ा बन जाऊं। अबे लौड़े अपना काम कर भाई, ट्राई तो करता ही हूं, अब क्या करें। पश्चाताप इज कॉल्ड रिडेम्पशन, पश्चाताप को बोलते हैं? ओके मेरे को नहीं पता था स्पॉन्सर। हाँ भाई क्या हाल भाई, बढ़िया हूँ यार भाई। मम्मी दिखा दे, नहीं भाई अब रही नहीं भाई, लूज हो गया वेट यार। एक्चुअली मेरे को लग रहा है भाई डाइट से अंडर 99 तो आ ही गया होगा, फिजिक्स वाला रेट बहुत ही सही यार, मतलब सही है भाई। सिलुएट ऑफ अ होटल रूम साफ कर रहा, अबे भोसड़ी के साहिबे आलम सीलमपुर के रहने वाले लौंडे, सिलुएट होटल की बात ना करें तो अच्छा रहेगा, क्वालिटी खराब। हाँ भाई एंड्रॉयड है, वाओ को स्पॉन्सरशिप, ट्राई तो करते रहते हैं मतलब। हाँ गांड दे दे गुड यार, स्पेशल पिक अपियरेंस गुड यार, जियो। अबे नहीं भाई वाईफाई से कनेक्टेड है यार, क्या बात हो गई। और भाई बाहर वाले से ही है यार, क्वालिटी खराब हो ही नहीं सकती, चीले खा लो। बनाए नहीं भाई सर, मम्मी ने आज रात में चावल बनाए थे, खा के पड़ा हूँ, लोट ही रहा था, मैंने सोचा लाइव ही आ जाता हूँ। इम्प्लांट्स, आई एम प्लांट्स, ये रे भाई रखे हुए हैं, एक ही है भाई प्लांट, यहाँ तो नो प्लांट्स। रिवील बाजी, क्या रिवील कर दूँ सर? ये देखो भाई ये रिवील कर देता हूँ, मेरा व्हाइट बोर्ड, इस पे आकृतियां बनी हुई हैं काफी काफी, मतलब एक तो मैं ही हूँ भाई। मेरे को ऑफर मिल रहा है, क्या करूँ? अबे ऑफर क्या है, सही आ रही है क्वालिटी गुड यार भाई। इंस्टा कमेडियन का क्या है मतलब, आईफोन खरीद ले वाओ, नहीं तो फुल्लू कर दूंगा। दिला दे यार भाई, पिगा गैंग गांड मारो आर्यन की। अरे पिगा गैंग से आता है, पता नहीं भाई मेरे को वॉइस नोट भेज रहे थे एक, तो पता नहीं वॉइस नोट बहुत ही फेमस हो गया, तुमने मेरी नाक कटा दी बाजार में। और भाई उसमें वॉइस नोट में बंदा बोल रहा है कि बहनचोद पता नहीं कोई वैलोरेंट वगैरह गेम में है, और भाई वॉइस चैट पे बकरा है कि भाई फालतू बकवास मत कर दियो, पिग आर्मी से तेरी माँ चोद दूंगा। नहीं भाई पिग आर्मी तो बहनचोद नहीं, पार्लियामेंट हो गई ना भाई, मतलब जहाँ दिखेंगे बदमाशी कर देंगे, बदतमीजी कर देंगे। वाओ की स्पॉन्सरशिप मिल गई, मतलब भाई ये कुछ पता नहीं डाइसी सी है, मिली थी
मैं तुमको बता रहा था कि नहीं मेरे को याद नहीं। दो मिली थी मेरे को, एक तो यही थी जो अभी करी थी मैंने, क्या नाम है, क्या नाम था यार, फक फक। और एक सेकेंड भाई, फंबल हो रहा है भाई, मैं मेरे ब्रेन फेड हो रहा है थोड़ा सा। उफ, कैश करो, कैश करो ऐप। यस, कैश करो की आई थी मेरे पे, और एक वाओ की आई थी। वाओ वालों ने तो एड्रेस भी ले लिया था मेरा ईमेल आईडी पे और फोन नंबर। तो फोन वो, एक तो पता नहीं, बकवास नहीं करनी चाहिए ब्रांड के बारे में, बट भाई उनको पता नहीं क्या लग रहा है, मेरे फोन पे कॉल कर देंगे तो उनका फोन फट के हाथ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा। वो फोन नहीं करते, ईमेल पे ही बात करते हैं। नंबर वन बहुत अजीब बात लगी जो मेरे को, हर कोई कॉल ही कर देता है। मतलब भाई मैं नंबर देता हूँ तो एक कुछ ब्रांड होते हैं जो शांतिपूर्वक कॉल कर लेते हैं, मतलब सुबह सुबह, रात में कभी कभी, ठीक है। इनको ये, इनकी बात बाद में बताता हूँ। कुछ ब्रांड होते हैं जिनको नंबर ना भी दो, उन पे पहले से पड़ा होता है, वो परमिशन लेते हैं। कुछ होते हैं ना ब्रांड, पूछते हैं नंबर दे दो सर कॉल करनी, कुछ कहते हैं हम पे नंबर है सर कॉल कर ले। बहन जो तुमको नंबर कौन दे रहा है मेरे, बहन जो नॉस्ट्रा प्रो वालों पे मेरे पे कदर नहीं, 2018 से नंबर है, जब से मैं तो फेमस भी नहीं था, उन पे सबके नंबर है क्या। बहन जो हर हर इच्छे वाले का नंबर पड़ा होता है उन पे, तो बहन जो आओ भाई पत्ते खेल लो, आओ भाई गैम्बलिंग कर लो, भाई माँ कसम जीना हराम कर दिया उन लोगों ने तो। आज भी वो कहते हैं भाई सर हम दे देंगे, हम दे देंगे। भाई मतलब ठीक है, मैं समझ गया हूँ भाई, एक बार कर ले, तुम तो पीछे ही पड़ गए यार। कैश करो, वाओ को फोन कर, भाई रुक जाओ यार एक सेकंड। तो भाई वाओ वालों का आया भाई कि मतलब एक आधी क्रीम लगा लो चेहरे पे, मतलब सभी कर रहे हैं मेरे आसपास के, मैंने देखा सबको ही आ रखी है ऑलमोस्ट, मेरे दोस्तों और फेलो क्रिएटर्स जो भी हैं सबको ही आ रखी थी, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे से कम वालों को भी। तो भाई मैंने बात बात करी कि भाई करते हैं और भिजवा दो प्रोडक्ट एड्रेस पे। तो सबसे पहले बहुत ही चूतिया चीज़ ये हुई कि मेरे को पता नहीं ये बात मुझे बतानी चाहिए कि नहीं, बट हाँ आई डोंट नो कि शायद मैं एक लीड पकड़ सकूं चैट से, अगर तुमने कभी देखा हो किसी को। तो सबसे पहली जो मेल आई थी वाओ से वो थी कि भाई स्पॉन्सरशिप करनी है, और जो वो बंदा था ना, मैं उसका नाम तो रिवील नहीं कर सकता, बट हाँ लेजिट ईमेल एड्रेस थे ऐसे, वो @gmail.com वाले नहीं थे, वाओ की ईमेल आईडी थी वो। अब आई एम नॉट श्योर कि ओरिजिनल थी कि नहीं, बट आई एम प्रिटी श्योर कि @gmail से भेजता वो चूतिया होता। तो उसमें जो बंदा था ना, वो पहली मेल जिसने करी थी, पहले तो ऐसे होता है ना भाई कि एक बंदा हमेशा अवेलेबल नहीं होता एजेंसी से और कंपनी से, तो अलग अलग बंदे बात करते हैं। कुछ ज्ञान की बात बता दो, सुन लो भाई, तुम्हारा कोई चूतिया ना काट दे फ्यूचर में। तो सबसे पहला जो बंदा आया था वो मेरा फैन था, तो उसने अप्रोच किया था कि तू भी करवाओ की। तो वाओ में जो काम करता है वो बंदा, वो मेरा फैन था, तो उसने कही कि भाई कर लो। तो भाई उसके बाद क्या होता है, अलग अलग बंदे आते हैं मेरे से बात करते 5-6 बार, नंबर के लिए, ईमेल आईडी के लिए, एड्रेस के लिए, 5-6 बंदों से मेरी बात हो गई, और सब शॉर्ट था कि भाई कर रहे हैं वाओ की। उसके बाद क्या होता है कि वो मेरे मेल्स को रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। मैं जब स्क्रिप्टिंग पे बैठ रहा था, मैंने कहा मैं बैठ रहा हूँ, प्रोडक्ट कब तक आएगा मुझे बता देना, और क्या प्रोडक्ट है और कौन सी क्रीम है, नासूर की, बवासीर की, ये सब कुछ कॉन्टेक्स्ट तो दे दो, ऐसी डल लगा के थोड़ी बैठ जाऊंगा वीडियो में। तो कुछ मेल नहीं आ रहे थे, मैंने कहा ठीक है अपने आप कर देंगे, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते, मैंने कहा ठीक है अब चली गई है, इनको नहीं करना होगा। फिर मेरे को एक सेपरेट ईमेल आईडी से मेल आती है उसी बंदे की जो सबसे पहले मेल की थी ना, जिसने मुझे वाओ की आईडी से, उसने मेरे को बताया, मतलब प्रॉपर एक ईमेल थी जिसमें वो बंदा मेरे को बताता कि मैं ऐसे ऐसे अपना नाम, मतलब देयर इज नो वे कि उसको पता होगा कि उस बंदे ने मेल करी, मतलब तुम समझ रहे हो, कोई तरीका ही नहीं है कि कोई क्रैक कर सके इसमें, क्योंकि वाओ वाले का नाम पता कैसे लगाएगा कोई। उसने बताया कि भाई मैंने तेरे को मेल करी थी और वो मैच कर रहा था पहली ईमेल आईडी से नाम, और वो बताते हैं कि भाई स्पॉन्सरशिप दे रहे थे तेरे को, मैं तेरा फैन ही हूँ जो काम करता है वाओ इंडिया में। और उसके बाद क्या होता है, जब पूरी बात सेटल हो गई, बहुत ही अजीब अजीब ईमेल आ रहे थे मुझे जब वाओ से कि भाई तू कर ले स्क्रिप्ट, तू मतलब स्क्रिप्ट कर ले अपने हिसाब से, बट स्क्रिप्ट तो हम ही देंगे तेरे को, या एक प्री कंटेक्चुअल स्क्रिप्ट होती है जो रॉ पॉइंट्स नहीं देते दे कि भाई बता देते हैं ये सब होता है, बट वो ऐसे बात कर रहे थे कि भाई हम ही पूरी देंगे, हम ही लिख देंगे। हमने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है तुम बताओ, थोड़ा इम्प्रूव तो मैं कर ही दूंगा तुम्हें झटुआ आप में। फिर कहते हैं कि भाई एक चीज़ है, हमको एक चीज़ नहीं चाहिए तुमसे कि तुम कॉमेडी ना करो हमारे सेगमेंट में, मतलब जैसे मैं कर देता हूँ ना वेंचो बकचोदी स्पॉन्सरशिप में भी, रतन है टाटा बीवी हिनाटा और ये सब, शब्दों से मारूं ये शब्दों का चाटा, लगता ना मुंह तेरे केबल हूँ साटा, ब्रार्स बार्स बार्स, तो ये सब नहीं करना। मैंने कहा ठीक है भाई सब चलेगा, तुम जो करवाना चाहो कर लो, एक्सप्लॉइट कर लो, हमारे बुरे दिन चल रहे हैं कर लो। तो मैंने कहा ठीक है कूल। उसके बाद बंदा कहता है भाई अब वो स्पॉन्सरशिप नहीं हो पाएगी, मैंने तो अपनी तरफ से ट्राई करी थी,
बट अपेरेंटली देयर सम पॉलिटिक्स अगेंस्ट यू इन दिस होल कम्युनिटी, जो कि हमेशा से मुझे पता ही है। किसी बड़े क्रिएटर ने जिसने करी होगी कभी वाओ की प्रमोशन, आई डोंट नो हूँ, मैंने नहीं देखी कि कौन कौन करता है वाओ की, उसने अपेरेंटली मना करा है वाओ वालों को कि इसको स्पॉन्सर ना करें। तो भाई मैं यही कहूँगा कि भाई गुड 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 वेरी गुड, तू कर ले भाई एक और क्रीम अपने घर में रख ले बहन चो झुर्रियों की, और बहन चो अपने मुंह पे लगा ले, और थोड़ी अपने मन पे भी लगा लियो जो इतना गंदा हो रखा है। कूल यार कूल, ले ले भाई तू ले ले भाई, छीन ले, कितने निवाले छीनोगे, लो ले लो भाई। तो मैं यही कहूंगा भाई कि गांवठी बहनचो, गांवठी सब गांवठी बैठे हैं उधर भी, उनको भी वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन्फ्लुएंसर से, वो भी मना कर देते हैं। पता नहीं अजीब ही है भाई ये, बहुत ही मतलब भाई इतना नीच कौन होता है, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, ये तो गलत ही सीन है। मुझे नहीं पता भाई किसने करी है वाओ की, बट अपेरेंटली उसने बोला है कि भाई इसको मत देना, तो आई डोंट नो हु इज दैट गाय, सो नो वाओ स्पॉन्सरशिप फॉर नाउ। पता नहीं कौन है वाओ का, डर डर छोड़ भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कौन इतना नीचे गिर गया है जिसको इतना तक फर्क पड़ रहा है कि स्पॉन्सरशिप आ रही है, इस बात से इतना कौन गिरेगा यार, पता नहीं, गलत ही सीन। दुख दुख की बात नहीं है भाई, मैं तो उठा के कल को वो भी उठा, उनसे ज्यादा पे मेरे को वो कर देंगे भाई, वो लोग बैठे हैं भाई, वो लोग जो गैम्बलिंग ऐप वाले हैं, बट मैं वो भी तो नहीं करता ना, बात ये है वो तो उठाने को रेडी है, तीन पत्ती खेल लो आप, आपको लखपति बना देंगे, ये सब है सीन भाई। तो गंद है भाई बाजार, पूरा गंदा कर रखा है इन लोगों ने, पता नहीं भाई। चल पॉलिटिक्स भाई, उस बंदे ने एम्प्लॉय लिख रहा है मेरे को, भाई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, मैंने कहा भाई ठीक है गुड यार। एंड वाओ कौन है मदर चोद वो, अरे मुझे क्या पता, मैं नाम भी नहीं पूछा, मैंने कहा यार ठीक है, मैं क्या मॉरल पुलिसिंग करने बैठूं इन लोग की, ठीक है मेरे को पता है ये सब होता आया है हमेशा से, इट्स कूल एक्सप्लेन कर दो, अरे यार हो गया एक्सप्लेन, बस यही है सैड, अरे सैड तो क्या ही है, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूँ तेरे साथ, हाँ यस भाई तेरी बहन चो आटे की बोरी में से ही तो 10-10 रुपए के नोट मार के तेरे को पे करता हूँ मैं, तभी तो वीडियो बन पाती है जो तेरी बहन चो मांस के लोथड़े में तेरे घर वालों ने 2-4 रुपए डाल रखे हैं, उनसे कैमरा रेंट करके वीडियो बनती है। यस भाई तेरी सैलरी काट ली वाओ वालों ने, मैं तो दे रहा था बात कर भाई मुझे नहीं पता कौन होगा, आई डोंट नो, मैं वो भी नहीं लगा रहा एलिगेशन किसी पे, तो डोंट एक्सपेक्ट नेम्स फ्रॉम मी बिकॉज मेरे दिमाग में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं वाओ की करता कौन है। सो कौन ऐसा कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी क्या कह रहा हूँ, कौन ऐसा राइवल राइवलरी में है मेरी जो वाओ की वो करता हो प्रमोशन और मना कर दियो उसने, पीठ पे मुक्का पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। अब क्या करें भाई, हो जाता होगा भाई, सर हम क्या कर सकते हैं। शाइमन से बात कर ले, अरे शाइमन कौन सा बड़ा ब्रांड एम्बेसडर लगा है वाओ का, वो क्या कर लेगा, उसकी भी चली जाएगी मेरे नाते, मेरे नाम जुड़ा उससे तो मैं दूसरों के पेट पे और लात मार दूंगा। एंड वाओ गुड यार, अकित बढ़ाना साले, सैलरी क्या होती है भाई पता नहीं यार, गुड यार। एंड वाओ गुड यार, आई कैन गैस, अरे तेरे से कहिए किसी ने आई कैन गैस, वाओ मेरी गांड ले लो, क्यों बहन के लोड़े सोने का कटोरा लगा के घूमते चूतड़ों पे, तेरी गांड फाड़ दूंगा क्या, अरे लौड़े, अरे प्रियल भाई हेलो यार क्या हाल है, यू विल गेट समथिंग बिग इशू, अरे निखिल, अरे सर आप आ गए, नूर आ गया, वेरीफाइड टिक आ गया, और गलौटी कबाब मेरे पेट में ऑटोमेटिकली आ गए सर, आप चैट में आ गए तो, अरे बिग तो मतलब बिग तो सर तभी आते जब मैं सीसी के आगे खड़ा होता हूँ, बट होपफुली उसके अलावा भी कुछ बड़ा आएगा। भाई ठीक है यार, बहुत सेल्फ डेप्रिकेटिंग हो गया ये सेशन, बट हाँ भाई ऐसे ही मान लो, फोन नहीं किया ना भैनचोद, अरे प्रियल भाई यार मैं बाहर था ना, और फिर अब आया हूँ तो लाइव आ गया, अब करूंगा लाइव के बाद भाई पक्का, तू फोन छोड़ भाई, तू लाइव आ जाना मेरे साथ, तू लाइव पे बात कर सकता है, तू लाइव पे बता सकता है तो आ जा भाई, नहीं तो मैं ऑफलाइन ऑफलाइन कर लूंगा। वाह वाह सुनो, हाँ बोलो भाई, छोड़ छोड़ ले खा ले गुड यार। भाई गजब लग रहा है, गांड दे दे भाई, अभी तो फिल्टर नहीं लगाए बढ़िया बढ़िया वाले, उसमें तो माँ कसम भाई, तो मम्मी का तीसरा पति लगता हूँ ब्रो कसम से, अभी रुकियो अच्छे से फिल्टर लगाता हूँ, माँ की चूत, क्या रे लौड़े क्या रे लौड़े यार, बोली मत बिगाड़ दियो प्रियल दोबारा से ना मेरी, भाई एस्थेटिक हो गया, भाई एस्थेटिक हो गया, और यही वाला है भाई वो जिसमें मतलब
चेहरे पे कलर करेक्शन हो जाती है ना, जिससे मैं बहुत ही मतलब टमाटर ही लगने लगता हूँ। तो ये वही है फिल्टर भाई, टमाटर ही। एक ये दो चार छक्का पे ही हैं, वो सभी लगा लगा के बदल बदल के। यस ओ भाई, नशे हो गए। हटा दो भाई ये सब, हटा दो। ये हटाऊंगा तो फिर वही आ जाएगा, जेल वाला। हटाओ इसे। हाँ चूते क्वालिटी सही कर दे। अरे बहनचोद, यहाँ क्या मैं इंस्टाग्राम पर बहनचोद एंटीना लगा के बैठा हूँ घर में अपने? नहीं आ रहे होंगे भाई सर्वर उनके, मतलब सर्वर खराब होंगे भाई, कुछ तो सीन होगा, मुझे कैसे पता? प्रियल भैया को ले ले। अरे भाई मैं ले तो लूँ किसी को भी, बट मेरे को कोई बताए तो कि कौन आना चाहता है। प्रियल ने कही है क्या? प्रियल आ रहा है तो भाई बता, रिक्वेस्ट देखता हूँ। प्रियल की आ रखी है फिलहाल तो। बुलाया भाई, प्रियल को बुलाया मैंने। शोर वाला फिल्टर भी तो हटा दे। मैं प्रियल भाई को ले लो। हाँ भाई काफी टाइम से बात नहीं हुई प्रियल से। अरे प्रियल भाई हेलो। हेलो हेलो, अबे लाइट ऑन करो अपना, कहाँ? लाइट भी नहीं है। अरे लाइट तो, अरे भाई ये क्या ग्लीची सा हो गया। हाँ भाई क्या समझ हाल है गया भाई? बात ही नहीं हुई जब से मुंबई से आऊँ भाई। ना? ना अभी बाल बिल दे, कोई से जानवर हो गए। भाई तब से अब शक्ल देख रहा हूँ तेरी, हाँ ना, वो छोड़, ये देख अपना ही लोग। अरे कौन सा दिखा रहा, हील हो गया। हीलो ना ओ जानवर है भाई अभी। ये तो जब तक काला है मेरे को लगा भाई, गैंगरीन दिंगरीन हो जाएगा अभी। हाँ ना, भाई इनका मैनिक्योर वैनिक्योर कराओ, ये काले पड़ गए हैं सर। मैनिक्योर विंचो सड़ा हुआ फूल अंदर से, मतलब मर गया वो, टो ही भर गया भाई अंदर। इनको इनको कॉन्टेक्स्ट दें, ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था? तो कॉन्टेक्ट देना। भाई मैं मुंबई आ रखा था, और भाई हमने प्रियल को बुलाया कि भाई चलो मीटअप करते हैं भाई एक दिन का, लेकिन फिर प्लान बन गया गोवा 2 मिनट बाद। और प्रियल कहता चलो, प्रियल मेरे से मिल रहा है अटैची लेके। तुम समझ रहे हो हम मिले, पहली बार मिल रहे हैं जिंदगी में, और प्रियल अटैची लेके आ रहा है कि भाई चलो गोवा में मिलेंगे ढंग से। मुंबई में तो मुलाकात ही नहीं हुई, शक्ल देखी गाली बकी तो गोवा पे। और भाई गोवा में फिर, अब गोवा गोवा है फिर भाई, मचा दी भंडी प्रियल भाई और उसको मैंने। अब एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता उन चीजों का। हम लोग ने भाई ना कुछ कुछ क्या कहते हैं, एक्सोजीनस फैक्टर, आपातकालीन स्थितियों की वजह से हम सब थोड़ा हाई हो गए, हाई एज इन भंड। तो प्रियल को लगा जो रात नारियल, प्रियल रात हम सड़कों पे घूम रहे हैं गोवा की रात के 1-2 बजे, एक बज गया था। 1 बज गया था। और भाई 12 बजे क्या हुआ, हम दोनों को एक साथ मूत लगी थी, और हम किसी चाइनीज ढाबे पे थे, चाइनीज ढाबा, चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं। और भाई उसका वॉशरूम बना हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे, खाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे। तो हम खाना वाना लपेट के, तो हमने प्रियल हमने पकोड़े पैक कराए थे जो हम गाड़ी में खा के आ रहे थे, हमारा पेट भरा हुआ था। आगे के दो लौंडे हरनेत और ओकस को भूख लगी थी, हमने तब भी वहां पे ज्यादा खाया, और हमको लग गई भाई कि मूत लेते हैं। चलो मैं घुस गया पहले टॉयलेट में, प्रियल कह रहा भाई बाहर निकल मुझे भी करनी है। मैंने कहा बाहर कर ले, मैं बाहर आया हूं। और बेसिन में मूत रहा है भाई, वॉश बेसिन में जहां मुझे हाथ धोने हैं। मैंने हाथ नहीं धोए क्योंकि मुझे लगा मेरे हाथ अभी ज्यादा साफ है बेसिन में हाथ धोने के पहले। साले इतना ये हो गया था, मेरा पूरा ब्लैडर फटने का आया था। मैंने बोला साले अब जाने तो दे। अरे बेसिन में कौन मूत था? और सच इमरजेंसी बात है कुछ बनाया नहीं जा रहा भाई। चलो था, निकल गया, क्या ही कर भाई सकते। बेसिन, चलो भाई जस्टिफाइड है, बेसिन में मूत लेते हैं, हो जाती है आपातकालीन स्थितियां। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक क्या, देखो इतनी कॉम्प्लीमेंट जिंदगी में नहीं मिली रहेगी, मालूम है क्या? चाइनीज वाले को जिसका दुकान था उसको इतनी हाँ कॉम्प्लीमेंट जिंदगी में नहीं मिली रहेगी जितनी अपन ने दी। जैसमिन भाई, मतलब कोई नहीं बैठा था हमारे अलावा वहां, सिर्फ हम थे। और लेकिन तो भी मैं कह रहा शायद भाई उसने उसने जो जो डिशेस हमको दी थी वो शायद उसने पहली बार बनाई होगी अपने यहाँ। वो मूत का पानी फिर से पानी में यूज कर होंगे। सर कोई हाथ धोने भाई यार तू तो बहुत बुरा है भाई। तो हाथ मैंने भाई बिसलेरी की बोतल से धोए थे। अरे भाई, ये सब अगर रिकॉर्ड करके डाल दिया होता तो व्लॉग बिग में डायरेक्ट यूट्यूब उड़ा ही देता चैनल। उड़ा देता भाई, भाई
वो तो मैं सेंसर करके बता रहा हूँ अभी। प्रियल मेरे को बहुत कुछ दिखा था लेकिन मैं सेंसर कर रहा हूँ ब्रो। कहाँ गया अबे दिख रहा हूँ तेरे को, अबे ये? हाँ हाँ मेरा कुछ कुछ तो निकाल मेरे लियो। पास है। अभी और दिख रहा है तू मुझे? लंड मत निकाल लियो प्रियल। अभी दिख अबे नहीं, मैं नहीं दिख रहा हूँ ना, रहा है तू? कोई मेरे को ही मैं नहीं दिख रहा हूँ, मेरा बात नहीं, तू इंस्टाग्राम मेरे का को कोई दिख रहा है, पोस्ट तू हो। ठीक है चलेगा, तो सबको ऐसा ही दिख रहा है, डिसाइड मेरे को करते। दिख रहा है। चल अच्छा नहीं तो मैं कट कर देता, बाद में आ जाओ तू, तब तक बात करते। आ जा, तू आ जा, तेरे को निकालू कैसे? अब निकल गया, खुद ही निकल गया। वाओ, अब मैं ये हटाऊंगा। अबे यार ये जा ही नहीं रहा, ये पता नहीं कौन सी स्मैक आ गई है। अब मैं चुदा भाई, आज तो ऐसी बात होगी। अबे हट जा भाई, क्या हो गया? ना हट रहा भाई। अरे भाई और कौन आया है आज? किसको बुलाऊं यार? कोई आ रहा है? अमन आया क्या? हेलो अमन, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस? नो ऑडियो। ए निकल, झूठ। नम्मू इधर है तो? बेसिन में मूतने का कर्म है ये भाई। हाँ जेनविन। ओकस, ओकस आया क्या भाई? मेरे को अमन भी दिख रहा था। अमन कहाँ है? अमन को ले लिया यार। अबे अमन आए तो? अमन चला गया शायद भाई, रुकियो सर्च कर रहा हूँ। ना भाई अमन डाउन। आ गया अमन, आ गया। इनवाइट कर दिया सर अमन को, अब देखते हैं आता है कि नहीं। साइमन या सूर्या को बुलाओ भाई, ये लोग मेरे उस पे थोड़ी रहते हैं, स्पीड डायल पे आ जाएंगे तो भाई ले लेंगे। यश वाऊ को बुलाओ। यश वाऊ का लेड़ा अनफॉर्चुनेटली iPhone 6s के फ्रंट कैमरा में फिट नहीं होता, तो यश का इंस्टा लाइव आना मतलब भाई मेरा गिर जाना। नहीं, कहाँ बैठा है अमन? आ जाना। अमन सिर्फ सुनने आया है। कूल अमन भाई के भाव बढ़ गए अपेरेंटली, इंस्टाग्राम कमेडियन हो के। अमन गुड यार, इधर ही है भैया। अच्छा जी यार, यश को ले लूं क्या? प्री बोर्ड के चक्कर में काफी दिन से रूबरू हुए नहीं है हम एक दूसरे से यार, तालुकात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। यस आ जाओ यार, मतलब अब इतनी डिमांड आ रही है जनता की, तो आ जाओ। यस को करा है भाई इनवाइट, यस चौधरी ने आएगा स्ट्रीम। यस भाई आ जाओ यार, आपसे बात करनी है ब्रो। यस ब्रो आ जाओ ब्रो। अबे अमन को लेना लोड़े। अबे तो अमन की मम्मी ज्वाइन ही नहीं कर रही। अमन की मम्मी को इनवाइट भेजा भाई। नेपोटिज्म, हाँ भाई कह तो सकते हैं, मतलब जेन्युइन। मदर चोद, यस यस मेरा डिक्लाइंड। अरे माँ की चूत, यश के भी भाव बढ़ गए हैं भाई। मैंने आर वर्ड बोल दिया, वो उड़ा दिया इंस्टा ने। एर वर्ड बोल दिया? याद नहीं ब्रो, मैं नहीं आ सकता, सॉरी भाई। सबके अपने भाव भाव है यार, अपने ही भाव है सबके सर। और कौन आ सकता है इस वक्त? कोई गोरी मैम बैठी है गोरी मैम बैठी है तो आ जाओ। कर बहन के लोड़े आ जा भाई अमन, मैं तो कह रहा हूँ यार। इनवाइट करूं या क्या करूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। छोड़ भाई, कंफ्यूज हो गया। आ हाँ गया यार, भाई हाँ तू बहन चो, तब से मैं तेरे को सेंड कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रही थी? भाई, प्रियल बैठा हुआ था ना? नहीं, अभी तूने मेरे को कुछ बोला ना, नहीं अभी नेवर माइंड, मैं ना तब से तेरे को सेंड कर रहा था। हाँ भाई क्या सीन है हाँ भाई, आईफोन क्वालिटी आ गई, अब तो खुश होंगे सब। बे यार, पता है रिंग लाइट खराब हो गई बहन चो, टूट गई। और बताओ तू कह एंड्रॉइड गए से आया सर हुआ आज है? बड़े मतलब। तू एंड्रॉइड से ओ आया हुआ भाई, ये पीछे से आया, मेरी फट गई ब्रो। अमन, इसको बुली कर, इसको बुली कर, कोई इसको नहीं बुली करता यार, ये अच्छा बच्चा है यार, रीशु रीशु सीधा लड़का है यार। तीन जन ले अच्छा सकते हैं, अच्छा रीशु ले सकता है तू, तीन लोगों को, मतलब और भी किसी को ऐड कर सकता है। ये नया फीचर आया क्या? नई बदमाशी आई है क्या? वाह बहन जो बूमर मेरे को नहीं ऑकवर्ड। पता भाई मैं कौन सा लाइव आता हूँ। हाँ ले, और किसी को ले, रेडमी ऐड, और कोई देखते हैं, कोई बदमाश बैठा है क्या? कोई लोंडा बैठा है क्या? भाई एको हो रहा है, तू हेडफोन लगा ले यार। रुक, रिठाना बदमाशी में करनी है क्या भाई, मन आज? हम बदमाश है, बिल्कुल ऐसी करेंगे। तू नहीं कर सकता किसी को ऐड? मैं नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ तेज लाइव लौड़े कर ऐड। आज भाई ग्रिल्स दिख रही है मेरे को अपेरेंटली तेरे आने से। अरे अबे भाई यार रीशु, अरे वो तेरे वीडियो में देखा, अमन एक बंगाली लड़के गेटिंग अपने ऑन दैट मेटा ह्यूमर चैटर।
मैं चुदा, तू कभी मेरे को रिप्लाई नहीं देता भाई। तेरे को परेशान, तेरे को गाली दी जा रही है, कह रहे रिप्लाई नहीं अमन देता। अमन तेरे मैं कुछ कह रहा, मैं कुछ कह ही नहीं रहा। ओके कूल अरे डोपर मैन यहाँ पे है भाई। अमन भाई, अमन कुछ ज्ञान की बात करते हैं तेरे ना, आज को डोपर। अच्छा चल, ज्ञान की बात कर लेते हैं। कुछ डिस्कशन करते हैं अपेरेंटली आ जो जा हो रहा होगा। है भाई, कौन सा? चलो आज हम सोशियो इकोनॉमिकल इश्यूज उठाएंगे बहन की चूत। अच्छा भाई रहन देते हैं अमन भाई, रहन देते, बात ही कर लेते हैं चैट से बस। चलो चैट से बात कर लेंगे, ये भी ठीक है। नहीं इग्नोर कुछ हुआ हो मार रहा बाल तो बता दे, मैं कर लूंगा बात। अभी। हुआ है, हाँ एक हुआ है ना अभी, एक पता था को, एक इंडोक्ट्रिनेशन करके बंदी थी, शी इज लाइक अ डॉक्टर एंड शी इज अ ही इज अ शी इज अ ट्रांसजेंडर वुमन, जो पहले लौंडा थी और अब लौंडी है। तो सीन क्या हुआ, उन्होंने अच्छा अपनी तो ये लोग ना, इन लोगों का ये सीन होता है कि ये अपने बायो में लिखते हैं एंटी कास्टिस्ट, सवर्ण। अब सवर्ण वगैरह तेरे को ओके समझ नहीं आएगा। बेसिकली ये लोग अपर कास्ट नहीं होते हैं, जो मुझे लोअर कुछ नहीं लोअर पता कास्ट, लेकिन जो लोअर कास्ट लोगों को ना वो बोलते हैं कि हम भी आपके फ्रेंड हैं, वर्चुअल सिग्नलिंग करते हैं, जैसे मैं लड़कियों की करता हूँ उस टाइप की, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली दैट। तो फिर क्या हुआ, किसी दिन लाइव में किसी ने बकचोदी ले ली। तो अब ये लोग तो मेरी तरह, अब जैसे मेरे को एक अभी थोड़ी देर पहले एक लड़के ने फालतू बोला, तो अब मैं उसको माँ बहन की गाली दे दूंगा, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई, पापा, चाचा, मामा, सबको गाली दे दूंगा मैं। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर अच्छा सकते, है ना। तो उन्होंने ओके उन्होंने बस क्या किया, उन्होंने चुपचाप उसकी बस जात गेस कर ली, कि ना थोड़ा कॉमेडिक वे में, कि अरे ये तो शायद अपर कास्ट, कोई वैसा कुछ, कोई लोअर कास्ट होगा। उन्होंने कह दिया ये तो इस कास्ट का लग रहा है, बस इतनी सी बात बोली उन्होंने एज अ गेस, एज अ जोक। वो भाई उनके ऊपर चढ़ गए, सारे लोअर कास्ट चढ़ गए, उसको गालियां, लौंडिया को परेशान कर दिया। फिर क्या हुआ, उस बंदी ने तो सॉरी बोल दिया, चलो सॉरी बोल दिया। फिर क्या हुआ, एक और दूसरी इन्फ्लुएंसर ने उसकी सॉरी को कमेंट्स में लिखा, वी एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। वो जो अच्छा उस पे चढ़ गए कि तू कैसे एक्सेप्ट करे, तूने हमारा सॉरी कैसे ले लिया, कि भाई। वो अब वो उस पे चढ़ सॉरी गए फॉर कि अपोलोजाइजिंग, आई अपोलोजाइज फॉर आई अपोलोजाइज फॉर अपोलोजाइजिंग एक्सेप्टिंग योर अपॉल। ओ माई गॉड डूड, द फकिंग वही क्या लेवल्स है। ऑफ। फिर वो सॉरी बोल रही है, फिर उसको बुली कर रहे हैं, उस पे मीम बना रहे हैं, फिर वो मीम्स का रिप्लाई दे रही है, फिर मीम्स के रिप्लाई के लिए सॉरी बोल रही है। ओ भाई, कैंसल कल्चर का पीक, इतनी आई मजेदार अपोलोजाइज बात हुई। फॉर माय लास्ट अपोलॉजी वीडियो। मतलब AIB की वो वीडियो देखी थी तूने, पिज्जा वाली, शायद पिज्जा वाली की, पिज्जा गायब हो जाता है ऐसे कुछ थी एक, बहुत लेट आता है फूड डिलीवरी, मतलब बेसिकली ना यहाँ से वहां, अरे वहां वही से। तो है मीडिया सर्कस। हाँ, मीडिया सर्कस हो गया था भाई साहब, भाई हाँ समझ बिल्कुल। गया मैं। तो मैं इस इशू पे मैं और जयस बनाएंगे, वी आर गोइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। बनाओ चलो बनाओ बढ़िया है भाई। अपॉलॉजी वीडियो के लिए अपॉलॉजी वीडियो। भाई रीशु यार, तू ना जानता नहीं है यार सोशल इश्यूज बहन, जो तू यूट्यूब के मैं इस नहीं पे जानता बनाता तेरे रहता है। यार, पढ़ने पढ़ना लौड़े, फिर थोड़ा सा पढ़ इनके बारे में, और में इनके क्या ऊपर होता है मार बुकड़ी मार के जोक्स इन पे। हैं बच्चा है बहन चोद, मार्क्स पे 19 साल का लड़का है भाई। तू, बना इन इश्यूज पे जोक बना। भाई कर तो रहा हूँ ट्राई मतलब अब। जब AIB बनाते थे तो वो लोग बहन चोद प्राइमरी रिसर्च करते थे, सेकेंडरी रिसर्च करते थे, वो सड़कों पे जाते थे, उन्होंने इश्यूज कैसे कैसे उठाए थे, कर कुछ ऐसा ढूंढ। तो तू अब कह रहा है तक मैं सड़कों पे निकल जाऊं भैंचो, सड़कों पे निकल जा भाई, कब तक। आधे टाइम तो मेरे दिमाग में बस सुअर सुअर जोक आएंगे। हाँ सुअर जोक्स कब तक। याद है गली के पीछे लौंडा मिल गया था भाई। भाई अमन मेरे घर यार आया था अभी, और हम पिछली दोनों ने गली में मास्क लगाए दोनों हुए हैं, इसलिए ने हम मास्क दोनों लगाया हुआ है, और पिछली गली में दूर से ही सुअर भाई आ गए। अमन भाई। फिर हम उससे पागल हो गया फिर वो भाई, हाँ भैया फोटो ले लो, फोटो ले लो, अपनी गली अपनी नाली से कुत्ते निकाल के दिखाने लग गया। और अमन भी भाई पपी है ये भाई, दिखाइयो हाथ में, और नाली का कुत्ता हाथ में लेके कह रहा है अरे बढ़िया है ये तो। अरे फिर घेर दिया मैंने से, कौन कौन, प्रियल का सर्वर न्यूक किया भाई यार। पता है क्या, मैं नहीं बना रहा अब डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड पे सर्वर सीधा एवलॉन पे बनाऊंगा, यहाँ पे सारे वर्जन आते हैं। एंड हो बढ़िया, पता जाएगा भाई, एंड कैसे हो जाएगा, क्या बोल दिया अभी, कुछ फालतू बोला क्या किसी ने। प्रियल नहीं भाई मैं तो चुप था। की पब्लिक बोले तो तकलीफ, एनीवेज और ले किसी को यार। और ले किसी, रुक यार अपेरेंटली फोन की बैटरी काफी कम है, 20% ब्राइटनेस कम हो गई। अरे ना 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 ना, सीरियस रिशू नाउ डेज, ना 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 मतलब अभी यहाँ पे क्या ही मुद्दे उठाए हैं। ना
नेक्स्ट वीडियो अमन किस तेरी किस जात चीज पे बता। करना है। मेरी जात भाई ब्राह्मण ही है, अपर कास्ट ही है भाई, प्रिविलेज ही हूं मैं, क्या बोल सकते हैं। भाई अमन किसी और को लेता हूं मैं, ले ऐड कर सकता है थर्ड पर्सन। मजाक कर रहा हूं भाई मैं, छोड़। अरे तू तीन को ऐड कर सकता है, डोपरमैन को ले ले किसको? भाई। उस दिन मेरे को पार्टी में जब हम नाइट स्टे पे थे तब मेरे को डोपरमैन दिखा भाई, मुझे तो लगा ये बंदा रुक, हारे। प्रियल आ रहा है, प्रियल आ ले रहा है। प्रियल को ले ले, हाँ आगे भी प्रियल आ थ्री गया। थ्री पीपल आ दे, फोर भी आ सकते हैं। हाँ अरे क्या एक सीन है, क्या तो तेल आया है क्या? मैं कह रहा है? हाँ यार तेल लगाया हुआ है। मॉइस्चराइजर ये बालों को लगा देने क्या है यार ये लड़का, कितने साल का है तू धूरी, कितने साल का है? नाइनटीन। भाई साल अच्छा की देख लो बात तुम नहीं है लोग बता अमन, दो। अमन साल की बात नहीं है अमन भाई। आप बंदे को तो चौल से निकाल लोगे, लेकिन चौल को बंदे में से कैसे निकाल यार लोगे? साले ये गुड़गांव के जमीन बेच बेच के बड़े हुए अरे भोकड़ी के साले। तेरे जैसे रिक्शा चलाते हैं या क्या? भाई साले लेकिन नहीं देख, जीपे मुंबई की चौल भाई दिल्ली के, ईस्ट दिल्ली से 10 गुना बेटर है भाई, बाय गॉड साले मतलब। प्रियल भोसड़ी के कितने 20-30 साल से रह रहा है वहां पे, मेरे 1,000 रुपए लुटवा के आ गया चोर से। मन साले कोई भी बंदा नाली से उठ के आके कह रहा है पैर तोड़ गए मेरे। उसके पैर वीर पकड़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ बहनचोद भाई उसका पैर सब, भाई उसका पैर ऐसा था अमन की, वो भाई अभी हॉकी खेल लेगा बहनचोद खड़ा होकर। और बहनचोद हमें कह रहा कि तुमने पैसे दे दिए अपना उसको? ये कहानी पता नहीं नहीं पता, बता। है, हम स्कैम हुए मुंबई में, तुझे नहीं पता? तू दूरी के साथ जाएगा स्कैम हम होगा भाई। नहीं है गोवा से स्कैम मुंबई हुआ, जा, मुझे तो लग रहा है, मुझे अब मैंने लग रहा एक है भी प्रियल रुपया वो नहीं लिखा था, प्रियल ये मिले प्रियल हुए थे ना प्रियल प्रियल सारे, मेरे पास एक भी प्रियल रुपया है नहीं। प्रियल कहाँ बोल रहे प्रियल सुन, प्रियल सच बता, तेरा ही बंदा था ना वो, तेरा दोस्त था ना, परमानेंट 1,000 रुपए होके तूने भी दिए। चला गया। क्या सीन क्या भाई बोला? एक बंदा हम ना, मेरे को तो आती नहीं नहीं ड्राइविंग, मैं प्रियल ड्राइव कर रहा। बताऊंगा। सुन 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 सुन, तू बता रहा है, चल तू बता। चल अरे बता। अमन देखा, मैं ड्राइव कर रहा था और हम लोग वो मतलब हरनीत का जहाँ पे ये था ई स्पोर्ट्स का जो भी, उधर जाने का था। तो ना मैं पूरा एक सर्कल मारा, एक ब्लॉक, बाद में दूसरा और एक राउंड मारा, बाद में तीसरा मारा, और वो लोगों ने देख लिया कि हाँ ये लोग घूम रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ सुन है, तो स्कैम सुन, कर मैं सकते हैं। रिवील नहीं करूंगा, मैं स्पीड्स रिवील नहीं करूंगा, नहीं नहीं करते चुप रिवील रहे कर। रुक जा, मैं बिल्कुल। स्पीड्स रिवील नहीं करूंगा, लेकिन सुन, हम पूरे रास्ते 12 घंटे की ड्राइव पर भयंकर से भयंकर स्पीड पर ड्राइव किया है प्रियल ने, रिवील नहीं कर रहा मैं, ठीक है? लेकिन जब ये कांड हुआ ना, तब सबसे स्लो होगी स्पीड, सबसे स्लो होगी स्पीड और जिस वक्त ये कांड हुआ। तो सुन ना, पूरा हम लोग ने रास्ता एकदम खतरनाक काटा, मतलब 5 घंटा एक्चुअली हम लोग को रास्ते पे चल के लगा, गोवा टू मुंबई 5 घंटे में पहुंचा दिया मैं। लेकिन नहीं मुंबई में आने तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब हुई लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं थी जैसे कि ठीक है। सॉल्वर हाँ हाँ जल्दी चल रहे आज थे, मैं चल रहे थे, स्पीड में। जल्दी तो जल्दी सुनो। हाँ मुंबई में, अरे रुक रहे जरा सस्पेंस क्रिएट करने दे। अच्छा ठीक तो हम लोग है ना वो गली में घुस रहे थे और वो बाइक वाला आके सामने बाइक डाल दिया, और है ना ओ मेरे को वो जैसे ही बाइक डाला ना मेरे दिमाग में यूट्यूब का वीडियो चलने लग गया, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि स्कैमर लोग कैसा स्कैम करते हैं मुंबई में। भाई पता है तो दिल्ली मैंने में क्या बोला होता है, दिल्ली इसको, में बहन के लोड़े इतनी भी नहीं करते सामने से, भाई गाड़ी के शीशे पे अंडे घेर देते हैं और नहीं फिर नहीं बहन मैंने के। इसको बोला कि ये देख स्कैमर आ गया है, और जो फिर मैं दिल्ली में तो उस काले शीशे होते हैं ना, पुलिस वाले खुरच जाते हैं चाबियों से। फिर क्या हुआ? सुन तो ये मैक्स आके एक मैक्स कांच स्कैम पे यही है यहाँ का। कान पे हाथ बीत मार, अपना कांच पे हाथ बीत मार रहा है, बोलता है साले तेरे को आता नहीं है ड्राइव करने, ये करने। मैंने गियर डाला, गाड़ी चालू कर दी, फिर से सामने कोई अंकल आ गया बूढ़ा वो एरिया में का। तो वो बोलता है कि अरे बेटा बाहर निकलो और सॉल्व कर लो। ये लोडू बोलता है मेरे को कि देख प्रिया यार ये सब मेरे को नहीं चाहिए, हाँ झगड़ा हाँ करो ऑफ उसको, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर क्योंकि लेते हैं। हाँ हाँ ऑफ कोर्स इसको इसको डर लग रहा था कि अगर पुलिस वगैरह का हो गया तो फिर ये लोग मेरा हिस्ट्री देखेंगे कि मैं कौन सी स्पीड में आया हूँ क्या वगैरह, बट वैसा कुछ नहीं था साले, अबे सबका तो फोन ध्यान। कर देना था ना। हाँ चल फिर। अबे भोसड़ी के तो वकालत पढ़ाऊँ तुझे अभी? मैंने उसको क्या हाँ क्या पता है, मैंने बोला साले तू स्कैम कर रहा है मेरे को पता है, मैंने यूट्यूब के वीडियोस देखे हुए। अच्छा तो अच्छा नाइस। हाँ तो फिर उसने पब्लिक जमा करना चालू कर दी, जोर जोर से हाँ चिल्ला ओके। कि मां बहन के लोड़े तुम। ऐसे लोगों में ना गुत्ती में देना चाहिए बहन चोदों में। फिर हम ये लोगों भाई को वो ये पता कौन होते हैं, ये वही होते हैं जो इंटरनेट पे मीम नहीं बनाते रहते हैं यूट्यूबर पे, ऐसे लोगों में गुत्ती में देना होता है भाई, बिना पूछे और बिना गिने और बिना कारण बताए।
फालतू बात कर रहे थे, फिर अरे हम क्या लोग हुआ? थाना ही अबे लगा भाई दिया अमन कैसे बजाएंगे तू बताइयो, चूत का पट्टा एक टांग पकड़ के भाई। बैठा है। नहीं भाई माँ चुदाई अपना, वो अपना वो बहन लड़, जो वो पब्लिकली अपना लड़ भाई मैं बता रहा हूँ, गले पे घंटी बांध और बहनों कान के नीचे यूं बजा बजा के जा, घंटी बजेगी टोन आएगी पूरी, म्यूजिक बजेगा, ऐसे बहन के लड़ों में बजाना होता है। मैं तेरे को सही बता रहा हूँ, तू एक बार किसी को बजाने लग गया ना सड़क पे, 10 10 सेकंड 20 सेकंड लोग सर्कमस्टेंस ही देखेंगे, लोग बजाने घुस जाएंगे, उसके बाद तू जीत गया सर अगले। नहीं हाँ हाँ लोग देखते नहीं है कि क्यों पढ़ रही है, किसमें पढ़ रही है, बस ये बजाते हैं। दिल्ली की बात है, देख दूरी ये दिल्ली की बात हाँ है, मुंबई अब का नहीं तुम्हारे पता। वाले में वो देखते होंगे कि भाई कौन और ज्यादा कौन सही काला कौन है गलत उसको सपोर्ट कर देंगे। हाँ बता भाई। एरिया वो नहीं था जहाँ पे तू मारेगा और पब्लिक तेरे को मारने को देगी, समझा? अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब वो दिल्ली एरिया, नहीं था, ठीक है। हाँ वो दिल्ली में वो गलत है जो पिट रहा है। दिल्ली और कैंसिल कल्चर बड़ा कॉमन साले ने है। हाँ फिर क्या हुआ? मन, वो ठीक एरिया वो वाला नहीं था, ठीक है, है तो एरिया तुम लोग अपना, सॉल्व करने लगे। तो फिर पूरी पब्लिक उसके साइड में आ गई क्योंकि समझा, ठीक है तो ठीक है। फिर ऋषि अभी वो बताऊं कि नहीं, नहीं बताना चाहिए अरे मतलब, बता कौन सा देना वाला, क्या क्या क्या, एक सेकंड रुक। क्यों पब्लिक आ गई उसके सपोर्ट में वगैरह वो सब। अच्छा नहीं पता भाई मुझे, अगर तेरे अपने को अपने अनसेफ कर रहा है डिस्कशन मत पे बता। बताते हैं, अच्छा ठीक है, नहीं 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 बताते। तो फिर शॉर्ट में ले ले फिर स्टोरी को। वही, तो फिर वो पैसा वैसा मांगने लगा, मांगा नहीं, बोलता है मेरा पैर हो गया तो ये दे दो। रिशु फोन निकाल रहा है, मैंने बोला साले फोन रख, वो गाड़ी में ऊपर पैसे रखे हुए हैं वो लेके आ। तो ये बोलता है नहीं अरे नहीं है उसमें, ये नहीं है। मैं बोल रहा अबे जा गाड़ी में से निकाल, जितना भी है 10 20 रुपया ला। तो ये लोड अपना वॉलेट निकाल रहा है, अबे तो यार शाना मत बन तू, ये बराबर तू जा रहे बाबा, तू ला पैसा वगैरह उसको, इसको उसको समझ। वॉलेट में भैंचो आधार कार्ड था मेरे पास, और कुछ कैश वैश तो था अच्छा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है तो ये फिर उसको मैंने उस, मेरे को बोला पैसा दो, इसने पैसा ट्रांसफर भी कर दिया उसको ऑलरेडी, अबे नंबर यार 1,000 रुपये 1,000 रुपए। चूतिए वो यार। बोलता अभी तू भी दे, तो मैंने बोला कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, देख मेरे पापा को मैं वो और, मांग प्रियल प्रियल वो मांग कितने रहा था? वो बोलता है कि 5,000 6,000 नहीं बहन कितना, चो सात भाई मैं हजार तो बजा देता भाई, साठ भाई मैं तो बजा देता। बैलेंसियागा के जूते हैं बहन के लोड़े खच्चर। मैं बोला तेरे को 20,000 देता हूँ, मेरे पापा आके तेरे को डिलीवर करेंगे कैश। तो अभी मैं कॉल लगा, मैंने कॉल ठीक लगा और बोला पापा अभी आ जाओ, तो मैंने उसको बोला 4 घंटा लगेगा, तू इधर ही रुकेगा, मैं तेरे को 20,000 देता है करके, तू ठीक है ठीक है ठीक है। जा मत बन ये वो, अभी तुम लोग सब लोग निकलो, मैं इधर नहीं तो रोना स्टार्ट करूंगा, ये हाँ वगैरह हाँ बोला, हाँ ऑफ कोर्स चालू कर दिया ठीक है भाई। मेरे को बस ये था कि वो चक्कू ना निकाल दे प्रियल, हम ज्यादा वो भाई। करे तो। कितने वो भी रहा, लेकिन क्या ही कर लेगा साले, तू 6 फुट का, एक भी खा लेने का औरंगजेब जैसा। कितनी हाइट हाइट वाइट उसको क्या था, कितनी थी? उसको क्या था कि प्रियल कमजोर कमजोर कड़ी है, और ये जो साइड में बैठा है ना बंदा, ये हट्टा कट्टा ये गांड फाड़ देगा मेरी। और मैं क्या, मैं गाड़ी से बाहर अच्छा निकलती उल्टा, उसको लगा उसने चाटा है, उसको लगा उसको गाड़ी से बाहर निकलती चाटा है। मैं बाहर निकला भाई वे यार चूतिया पैसे यार रिश्वत यार। ले, कितना कितना तू पैसे ले लंबा चौड़ा ले कितना था, लंबा भाई चौड़ा कितना था सुन तू हाइट, सुन हाइट वाइट बता भाई भाई, एक दिन से सोया नहीं है इंसान, क्या करेगा, पैसे देके निकलना ही भाई। चाहेगा ना। नहीं बादशाह लेकिन जैसा दिखता था, ओम प्रकाश मिश्रा जैसा दिखता था, वो भी था, लेकिन मतलब हम लोग वो फुल प्रियल नाइट सोए थे, प्रियल वो बिजली कैसा का दिखता होने का था कुछ तो फायदा होना चाहिए साले, मारा भाई, होगा। अगर जिस प्रियल मूव जैसा थोड़ा देख, थोड़ा मोटा अब प्रियल था वो। मैं उस मोमेंट पे होता ना भाई, जिस मोमेंट मुझे अगर कंफर्म है कि वो नाटक कर रहा है, मैं बहन चो ईंट बजाता, मैं उसको सच में बेलता और सुन मैं ना सच। सुन सुन सुन, मेरे को हमको था नाटक कर रहा, दोनों को पता था, लेकिन भाई हम सोए नहीं थे, 24 घंटे की मैं ड्राइव समझ पे थे रहा हम। हूँ, मैं समझ रहा कब हूँ, ऋषु हम, तू सोया हमारा भी होगा दिमाग तभी वही तेरी नहीं कर घूम पा रहा रहा था, था, तू सोया होगा हमारा तभी तेरी दिमाग घूम नहीं रहा कर था पा रहा यार। था भाई। ऋषु फट्टू है भाई, ये हाँ सोया तभी तेरी घूम रहा मतलब ये था। वो वो बता मान कौन लिया हैंडल भाई, करता भाई माफ वहां पे, कर होता वहां पे होता मैं और वहां पे होता ओकस। ओकस था तुम्हारे साथ? ओकस क्या करेगा अबे ओकस ओक तो भैन ओ की टांग तोड़ने बैठ जाता। हाँ यार वैसे ओकस थोड़ा ना, साले ओकस थोड़ी अंग्रेजी जोड़ देगा भाई, ओकस तो ओकस भैन चो मीन्स एनालिसिस कर देता टांग का ही, भैन चो मैं। यहाँ पे काउंटर वहां पे कर होता रहा मैं, है वहां ये। पे होता अर्पित भाई, उसकी माँ चोट देते हम, माँ चोट ऐसा देते तेरे को लगता है? उससे नहीं हजार मेरे को रुपए तेरे को ले लगता लेते है, हैं। सुन मेरे तू को नंबर भाई सुन, तेरा भी नहीं मैं पता, भी वही बट एटीट्यूड में अर्पित था,
लेकिन अच्छा तेरे साथ में वाला हक अगर हक दिया ना थोड़ा सा हाँ भी, यही तो फिर बात से है, हक दे गुड कॉप इसलिए बैड कॉप प्रॉब्लम वाला सीन हो जाता है वही वही ऐसा। वही वही मैं भी होगा। उतना वही मैंने एटीट्यूड से था इसलिए कि इसको स्कैमर को स्कैम कर लूंगा अगर मैं एग्जैक्टली इसलिए। आप एंटर व्लॉग बना रहे साथ में हाँ लेकिन अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है ना कि मिस्टेक हो गई है और कर रहा है हाँ तो फिर मैं कैसे पावरफुली बोलूँ कि अरे हम फ्लाइंग लोग बीस्ट वाला सीन होता है, मैंने भाई इशू है भाई। मैंने शुरू में फकअप कर दिया यार मैंने, मेरे हाँ नहीं को क्या, पता नहीं था ये स्कैम है यार, हाँ मेरे को हाँ प्रियल को बताया। हंसी नहीं आ रही है सारे, हंसी आनी ही नहीं ठीक चाहिए, हम लोग के सुन पैसे हिमांशी, गए। हंसी नहीं आ रही है, रुक जा रुक जा। अबे हिमानी हिमानी डीएम में आ जा, तुझे गुदगुदी करता हूँ अगर तू माइनर नहीं है तो। एनीवेज क्या हाँ फिर क्या हुआ, फिर बोला तूने तू डीएम साले, में ऐसा उसको कैंसलेबल चीज मत बोल मेरे को फ्रेम में रख के। डर मत। हाँ फिर डीएम में मतलब फिर तुम लोगों ने पैसे दे दिए उसको, उसने वीडियो बनाया उसने हम वीडियो लोगों बनाया का। हो हाँ कि वो भाई ये डूड फक दैट्स और नॉट मेरे गुड को 6 लाख रुपए देंगे अभी आके। ब्रो दैट्स बैड, और भाई यहाँ एक ऐसी वीडियो एग्जिस्ट करती है कहीं दुनिया में एग्जिस्ट जिसमें करती है एग्जैक्टली जिसमें तुम सॉरी हम बोल रहे हो। दोनों ऐसे बहनचोद चूतिया सा चेहरा बना के कि भैया हाँ हम आपको 6 हजार रुपए दे जाएंगे, ओ और मैं भाई अगले दिन ओ दिल्ली निकल गया प्रियल के फक पीछे है, से मेरे सोच को नहीं पता। वो, तेरे को नेट पे डिस्कवर कर ले लोना और फिर वो बुली छोड़, करे इस यूट्यूब में। हाँ भाई बड़ी बात नहीं है, उसको कुछ साल बाद मिल जाए। फक दैट्स बैड हाँ ना दैट थोड़ी इज देर बाद बैड। फेमस हो गए वो, उधर डाल दिया टीवी वीवी पे दे दिया कि ये लोग ही है मर्डरर, इस के रिया फक चक्रवर्ती के साथ टाई अप भाई कर दिया सारा। मेरी मेन गांठ पता उसी से फट रही थी वीडियो से कि भाई वो अगले दिन भैंचो आके ये ना बोलते उसके साथ कुछ बुरा हो गया और भाई हमने कर दिया। हाँ रिया चक्रवर्ती वगैरह लिंक ट्रू में डाल ट्रू ये दिया रिया सारा चक्र मर्डर। नाइस। तो उसको बोल देते ना कि वीडियो तो डिलीट कर लौड़े। अरे बहुत बोला ना, हमको घर भी जाना था। पता मेरे साथ भी होता है ऐसे एक बार। प्रियल दूरी एक इलेक्ट्रिशियन जैसे दिख रहा अरे तुम लोगों ने देखा अभी अभी एक द्वारका का सीन आया जिसमें एक औरत ने एक अंकल और एक आंटी पे गाड़ी चढ़ा दी, मार दिया और फिर उतार अच्छा। उतर गई गाड़ी उन पे चढ़ा के उतर गई गाड़ी से, पीछे भी नहीं ली आगे भी नहीं ली, उतर गई। वो लोग क्या नीचे गाड़ी स्पेक्टेट के, करना चाहिए? वो अरे लोग गाड़ी भाई के पवन नीचे हैं, उतर गई गाड़ी से फिर सॉरी बोल रही है, नीचे पड़े हैं वो लोग, अटके हुए हैं गाड़ी के नीचे। भाई रिवाइव करने गई होगी। लूटने गई थी भाई वो। भाई कहाँ हुआ रोहिणी? अच्छा भाई ना द्वार, अबे यार द्वारका भाई ये सब काम अंडरस्टैंडेबल, द्वारका में होते हैं। फिर हैव अ ग्रेट डे। पुलिस को पता क्या बोला उसने कि मेरे को लेडीज प्रॉब्लम है, पर्सनल दिक्कत हो गई थी इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, मुझे आप जाने दो, और पुलिस ने जाने दिया। वी वेरी अंडरस्टैंडेबल, हैव अ नाइस डे। ना भाई पुलिस मान ना, गई, नहीं बंदी घर बहन चो जीटीए चल रहा है, जैसे एक बार लेकिन 5 स्टार हुआ अरेस्ट हुए और फिर वापस आ गए एकदम थोड़ी सी लूट वो के मरे साथ नहीं भाई। ना, लोग तो मर गए, लोग थोड़ी ना मर रिवाइव हो, गए दो लोग मर गए एजेड 65+ के दो भाई। अंकल भाई मैं तो कह आंटी। रहा हूँ भाई चीट कोड डाला गया, मैं कह रहा हूँ गो अवे। क्या भाई होता था भाई पुलिस को भगाने का प्रियल? भाई भाई एग्जैक्टली तू सोच, आए दाग में तो होता था, एक लेकिन भाई एक सिटी में, सिचुएशन में, एक एक भाई सिटी सिचुएशन में में इंसान लीव मी कितनी, अलोन, लीव मी लीव मी अलोन, अलोन। एक सिचुएशन में इंसान क्या क्या गलत कर सकता है और उसके बाद भी बच सकता है। वो गाड़ी लेके आई ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट हुई, उसने दो सड़क पे नॉर्मल चलते हुए ओवर एज सीनियर सिटीजन पे गाड़ी चढ़ाई, चढ़ाने के बाद आगे नहीं बढ़ी, उनके ऊपर चढ़ के उतर गई गाड़ी से, उतरने के बाद अरेस्ट हुई, पुलिस को बोलती मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, अपना क्राइम एडमिट कर लिया और उसके बाद भी छूट गई। ओ भाई दिस इज ऑल द क्राइम यू जीटीए कैन डू भाई, दिल्ली भाई, दिस ऑनेस्टली इज ना दिस ना इज ना, जीटीए दिल्ली। दिस इज बेसिकली जीटीए द्वारका, जहाँ पे जीटीए की फुल फॉर्म है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो हो या कार, हम तो मारेंगे। ग्रैंड थेफ्ट ग्रैंड थेफ्ट औरते, औरत, हाँ ग्रैंड थेफ्ट औरते, ग्रैंड थेफ्ट ओ ऑटो हो भाई, या कार, हम तो चढ़ाएंगे सर। ओ भाई यार अरे और क्या है गवर्नमेंट पता है, तू अगर एक्सीडेंट भी करेगा और कोई मर भी गया ना तो भी तेरे को पुलिस स्टेशन में तू जाएगा, तेरा इंश्योरेंस जो भी रहेगा वो पैसा देगा या फिर हाँ जो भी हाँ आगे का रहेगा, ऐसा भाई रहता है अभी समहाउ इसके। समहाउ ये इंसिडेंट ना मेरे को वो जोमेटो वाली स्विगी वाली लड़की याद दिला रहा है यार, बाय गॉड जो भी रो रही थी ना हाँ नाक फूल फोड़ा मार था के, वो, बिल्कुल भाई सेम एनर्जी, दोनों में सेम एनर्जी। जीटीए एनसीआर लेकिन उसके घर में गाड़ी नहीं था नहीं तो वो भी चढ़ा देती उसपे। वो चढ़ा दे रही, ग्रैंड थेफ्ट दी दिया दे यार पग से एक। गांठ थोड़ा और थे कोई डाल जी दो जी कार्ड और थे।
वाला सिंप पुलिस था वाला सेम था भाई। पता पुलिस वाला ओनली फैन है सब्सक्राइबर इंडिया में रूल है ना कि लड़कियों को शाम में अरेस्ट नहीं कर सकते, 6 बजे से, 6 या 12 बजे से सुबह 6 बजे तक यू कैन नॉट अरेस्ट था। वुमेन हाँ सही अनलेस है। लाइक लेडी ऑफिसर और प्रेजेंट, या हाँ शायद तब भी नहीं हाँ कर सकते, तब भी तब नहीं कर भी सकते अमन, तब भी नहीं। नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं हो सकती लोनिया हाँ रात अमन, अगर में। तेरे को अरेस्ट करने का है तो तू बोलना आई आइडेंटिफाई एज वुमन, कोई नहीं करेगा अरेस्ट। दे दोई स्मार्ट एस, तेजी 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 सर, तेजी 10 FPS पे क्या, एक बंदा कह रहा है 10 FPS पे खेल रही होगी। भाई नहीं भाई, उसकी पिंग ज्यादा आ रही होगी सबको पता है। ओ भाई यार, भाई वो जेल में वो लड़की छोड़ा नहीं उस लड़की को, क्या गलत न्यूज़ ही रिस्पेक्ट वुमेन कह रहे, जेल प्रॉब्लम। में है वो। अच्छा ओके, हो सकता है वो लड़की जेल में हो, लेकिन तू क्यों अभी खराब कर रहा है भाई, क्यों खराब कर रहा है, क्या नाम है इसका, क्यों क्यों चुप हो जा, चुप हो जा, फालतू बात मत कर अभी। अबे ये मॉन्की स्ट्रेंथ का बड़ा मन, मॉन्की स्ट्रेंथ क्या कह रहा है, पुलिस पुलिस वाला पापा ओकस फैन था, ही रिस्पेक्ट वुमेन प्रॉब्लम्स। अब ट्रू सर, मैं औरत हूँ, सर मैं औरत हूँ, चीट कर रहा है। अबे यार क्यों, अबे हैकर एनीथिंग थी, ऑन और टेन, कह रहे अबे हैकर थी, एक बार में दो किल ले गई। अबे भाई यार कोलैटरल स्काउट मारा है भाई, एक स्काउट बुलेट से ओपी। दो। एनीथिंग ऑन 10th 12th के स्टूडेंट। हाँ भाई प्रेशर, बोर्ड अरे अभी वो आ चल रहे रहा हैं। है, बोर्ड जा रहे हैं, लेकिन पोस्टपोन होने का वो ट्विटर पे पूरा वो चल रहा है ना सीन, एक दिन के 4 मिलियन, टू मिलियन और कितने पोस्ट पोस्टपोन होंगे भाई, वैसे ही लेट होंगे हो रहे हैं इस भाई, बार सही तो। बता रहा हूँ होंगे, और पोस्टपोन तो होंगे, मेरे को लग रहा है होंगे, बोर्ड मतलब एग्जाम कैंसिल हो जाते तो वो बच जाते। भाई बच्चे पगला गए भाई, जितना इन बहन के लोगों ने जिंदगी में नहीं लिखा होगा उतने इन्होंने ट्वीट टाइप कर दिए हैं बच्चों ने मिलके, 4 4 मिलियन बहन जो मुझे टैग करके। एक दिन मैं ट्विटर पे गया, मैं रैंडमली खोलता हूँ 2 2 दिन पे, बहन जो 20 या 40+ नोटिफिकेशन, 20+, मेरे को लगता है फिर कैंसिल हो रहा हूँ, गया कैंसिल बोर्ड, पोस्टपोन बोर्ड, मेरे का बहन के लोड़े हाँ बच्चे। हाँ मेरे को भी आ रहे थे भाई अमन की, भाई अगला कंटेंट चौकीदार बोर्ड पे बनाओ, कैंसिल सही में यार ये चूतिए बच्चे यार, करो बोर्ड को। कॉन्करर पहुंच गई होगी दीदी, कॉन्करर पहुंच गई होगी अरे दीदी। भाई फुल रैंक पुशिंग कर दी भाई वैगनर से ना। और गाड़ी भी शायद वैगन आ रही थी, मतलब यार मारुति की गाड़ियों से कभी बहुत कुछ अच्छा हुआ है, मारुति की बढ़िया गाड़ियों से कभी कुछ अच्छा हुआ है। सारे, हम लोग भी बलेनो से आए हाँ थे। भाई, हाँ भाई एक्सीडेंट। भाई लेजिट भाई, बिल्कुल भैंचो ऐसा लग रहा था वो बंदी उनको मारने के लिए सड़क पे निकली थी यार, वो लोग कोने में चल रहे थे, उन पे चढ़ाई और रुक गई यार। रोड रैश। मैं 1 महीने से 12th में हूँ, डैंग इशू, स्विफ्ट और क्या चल रहा है, कैंसल बोर्ड एग्जाम। यार बहन के लोगों लाइव में क्यों बोल रहे हो कैंसल भाई, बोर्ड भाई एग्जाम, ये सब छोड़, ये भी तो बैठा है यश मेहरा, यश के भी तो बोर्ड्स यश हैं, को सबको ले हैं तो बोर्ड भी चल रहे अकेले हैं उसके। बनानी पड़ रही है। यश को सही कह रहे, लेना, यश यश को को ले लेना, यश उसकी आ बात नहीं रहा बात, भाई, यश का यश की पता बात नहीं क्या बात है। सीन है, अच्छा पढ़ाई कर, उसके ट्वीट कर ओवर रहा होगा गए, भाई, ट्वीट ट्वीट करने में कर बिजी रहा है। होगा वो। हाँ जेनविन कैंसल बोर्ड एग्जाम, मैं क्या कह रहा था, मैं कुछ तो कह रहा था। अरे वो घाट कुछ कह वाला रहा पता था, है ड्रिफ्टिंग, कह रहा है भाई नैनो होती तो दोनों ना मरते, सिर्फ एक ही जाता। अबे नैनो होती तो दोनों आधे आधे मरते। भाई हाँ वो बंदी ने जिस स्किल्स से मारा है ना, वो बाइक से भी आगे भाई, उठा लेती भाई, वो बाइक से अरे दोनों को सो ले जाती। और नैनो तो से और बहन तो हॉट व्हील ना डरे। जेनुइन भाई, उसको पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, डोंट मेक फन। पर्सनल प्रॉब्लम पता है एंट्रेंस उसने क्या की बेस्ड, थी, क्या उसने एंट्रेंस बेस्ड क्या, कर दो सब बाढ़ में गए बोर्ड्स। नाइस देख ये भी होता है सच्चाई है, लेकिन ये भी तो देख nice. एंट्रेंसेस बॉटल नेक हो रखे हैं, कम से कम बोर्ड में सबके आ जाते हैं 90 95 आ जाते हैं ऐसे, लेकिन वो एंट्रेंस में क्या होता है कि 1 लाख बच्चे आते हैं और हर सीट के लिए 15 15 हज़ार बच्चे फाइट कर रहे हैं, लौड़ा नहीं मिलती सीट, एक सीट पे बैठते कैसे इतने रीशू है यार, बाकियों को कुचल दिया जाता है भाई, जन जैसे क्या बात उन्होंने कर कुछ रही है, जैसे लोंडियन ने कुचला। था।
देखा नैनो होती तो लड़की मर जाती। भाई, ये अमन के लाइफ में आते ही लड़की और डेथ दोनों की बातें जरूर होती है। अच्छी बात है भाई, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। डैंग इज अमन बेस्ट मोस्टली नेक्रोमैंसर नेक्रोमैंसर है अपना। प्री प्लान मर्डर था भाई। सही में यार, मुझे तो लग रहा है वो उसके सास ससुर थे या कुछ थे भाई, तो मार हाले दिया, अपन चढ़ा बस दिया। करते हो टॉपिक अभी। नेक्स्ट बस भाई बताओ, बस। अब रीशु कुछ बात कर भाई। कोई मैं बात करूं, अपना ड्रिफ्टिंग का बता रीशु, बलेनो तुमने ड्रिफ्ट घाट पे करी? तेरे को कैसे अरे चमका भाई, हम रात के वहां घाट, पता है अमन शर्मिला घाट जी क्या होते हैं के पता है? रुक क्या वो गांड क्या कि होता है पता है? दिखाइए फोन, अपने भाई से बात कर रहा है। मैं तेरी अमन गांड तो तोड़ अपने के भाई से फेंक बात दूंगा। कर रहा है। फोन दे भाई इधर, पढ़ाई कर ले लोडू। हाँ भाई सॉरी, हाँ को बोलते पढ़े कर लोड। पढ़ाई कर ले लोड़ू। क्या बोर्ड देखे इसके? लो हाँ बहन जो घर में ही मुर्गी पड़ी है और दूसरों के बहन जो पत्थर मार रहा है। ओ सॉरी, दो मुहावरे मिक्स हो गए। सीबीएसई फॉर SSR। रीशु रट्टा नहीं लगा क्या भाई यार, तुम मेरे को यार। इस फ्रेम में मत लो। जब तू ऐसा कुछ बोले ना वही मुझे वही बता तो, दिया कर, मैं साइड पहले में चला पहले एडवांस में जाऊंगा। बोल दिया कर ऐसे घुमा दे। हाँ हाँ भाई अमन, हमें डर है भाई, हम यूट्यूबर्स हैं यार। तेरा सीन हाँ कुछ नहीं हाँ है साले, तेरा का क्या बोलते हैं, तेरे पे ऑलरेडी इंस्टा कम्युनिटी गाइडलाइन लगी हुई है चार पांच। हाँ नहीं ऐसा सीन नहीं है, जब 10 के हुए थे ना तब हट गई सारी, हाँ ऐसा सीन हुआ था। मेरे मेरे पीछे तीन चार थे, सारे सब हट गए। आई वाज लाइक गाइस, तो फिर अभी कुछ सीन नहीं है। ऐसे ही तेरे जैसे टॉक्सिक कंटेंट क्रिएटर सर्वाइव करते हैं इस प्लेटफॉर्म में। अरे 10K में जो फुल मच्छर, लेजेंड भाई अबे मौज। मैंने मच्छर पकड़ा एकदम लाइव गुड यार। भाई, देख रहा है मुंबई वालों की एंटरटेनमेंट, मच्छर पकड़ रहे हैं ऐसे रात खेल में सब भाई टीवी रहे चालू करके मच्छर पकड़ते हैं टीवी की रोशनी में। अच्छी तो बात है भाई, अच्छी बात दुबई में है भाई। शेर तो पकड़ते फिर हम लोग मच्छर जो पकड़ते इधर। भाई, एक तो भाई घर इतने छोटे खोली में सोते हैं सब। नहीं भाई, प्रियल का तो बड़ा है घर, प्रियल का घर बढ़िया है भाई। प्रियल ने मेरे को अलग से बिस्तर दिया भाई सोने को, समझ रहा तू? नाइस। अबे ये देखिए, ये अलग रूम में से भाई सोया था इधर साले। और मैं इधर सोया था। रीशु मेरे को नाइस। यार ये कौन है डैंग पीशु बहन जो नकल मार रहा है अरे मेरे वो को रियल यार, रिशु है, रियल रिशु है वो। बड़ा हाँ परेशान भाई कर रखा रिशु है आया ये चैट में। ये बंदा, परेशान कर रखा है इसने। चैट में रिशु आया। अबे ड्रिफ्टिंग वाला सुना साले हाँ भाई सुना सब भाई। मुंह से मच्छर पकड़ने वाले प्रियल धोरी। नाइस। अमन भाई अमन मुंह बोलना से मच्छर पकड़ने वाले प्रियल धोरी, यस। क्या हो रहा है इसको, आवाज कट बताना रही थी, अमन। आवाज कट रही थी। कंटिन्यू करूं क्या इसको, आगे कंटिन्यू करूं? हाँ मैं फिर, यार तूने मुंह से बोल दिया, मेरा दिमाग थोड़ा आगे पीछे हो गया। अभी अभी रहने दे। हाँ एपिक फेल। मुंह से बोल दिया मैंने। कराटे किड डोंगरी स्केरी सोंग्स नहीं सुना? ड्रिफ्ट वाली स्टोरी क्या सीन था? कुछ नहीं है भाई, बकवास है वो भाई। हम गाड़ी चला, घाट क्या होते पता है, पहाड़ों को कहते हैं मुंबई में, वही बहन चो मुंबईया खराब मुंबई करना मुंबई आदमी लेवल को, भाई घाट। मुंबई लेवल भाषा। तो भाई घाट वही पहाड़ में गाड़ी चला रहे थे, रात के 7 बजे अंधेरा हो जाता है वहां भयंकर। तो अरे शोर, ये प्रियल ड्राइव कर रहा था, मैं साइड में बैठा हुआ था, मैं झपकियां भी ले रहा था छोटी छोटी, मैं उठ रहा था उस वक्त अनफॉर्चुनेटली जब ये कांड हुआ। तो भाई बढ़िया फुल चल रही थी इसकी स्पीडिंग वीडिंग, और भाई मैं देख रहा हूँ मेरी आंखें ही खुली और सामने भाई एक कुत्ता आ रहा है भाई हमारे आगे से। और भाई स्पीड थी कुछ, मैं डील नहीं कर सकता, बट भाई गाड़ी ना आगे थी हमारे को ना पीछे थी, और भाई एक आवाज आती है 2-3 सेकंड के लिए शू सुर, ब्रो और भाई टायर लॉर्ड टायर घिस गया, टायर घिस गया। हमको पता चल रहा है, हमको ग्रुप। आवाज आती है, हमको पता है टायर घिस गया। और प्रियल अच्छा तेरे को पता है, अच्छा वो तब वीडियो बन रही थी और मेरे पास वीडियो है, तुझे पता है? हाँ ओ फक, हाँ उस चीज का, कुत्ते वाले का हाँ कुत्ते वाले का नहीं, ड्रिफ्ट वाले का नहीं रहेगा। ड्रिफ्ट तू वाला शेयर है कर पक्का सकता है, तू शेयर कर है। सकता है। एक बार गैलरी शेयर करने का ऑप्शन देखियो। वो नहीं, अभी नहीं ड्रिफ्ट वाला गैलरी दूसरा है। में रुको बहुत मैं कुछ। बताता हूँ अमन अच्छा क्या ठीक हुआ है। पता है। मैं ना ओवरटेक कर रहा था पहले, और गलती से राइट साइड में जो झाड़ी रहता है ना ओ उसमें नो गाड़ी घुस गया। फक।
और जैसे ही उधर गया गाड़ी गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगे, ये जाग गया, ये सोया हुआ था मस्त आराम से, गांड बन और गई होगी गाड़ी इसकी, हिलने लग गया, ये जाग गया और गाड़ी उल्टे साइड पे जा रहा है। फिर प्लेन अंदर क्रैश हो आया रहा है। लेफ्ट हाँ से, जी मैं क्रैश हो रहा हूँ। बिल्कुल सोच रहा अमन, हम इस मेंटल स्टेट में उस स्कैमर से कैसे फाइट करते बहनचो। वही तू तो, वो सारे भी मंग पंग कर देते बहनचो, सात हमको तो लग रहा हजार था रुपए कोई मांग रहा नचेल था गया। बकरी, मेरे जनधन अकाउंट में डाल दो। अबे तेरी मैची वहां बोलता है मैं यार, भाई ये कुत्ता बच गया मुंबई भाई, किया, कुत्ता मार कुत्ता दिया, नहीं कुत्ता बच गया। बच गया ना, ठीक है बस हाँ फिर, हाँ कुत्ते, कुत्ता अरे भाग गया। कुत्ता साले भाई, कुत्ता मेरे को लग रहा है छलावा था हमको मारने के लिए, कुत्ता था भी नहीं वहां। मैं 0 पे ऐसा पहुंचा ना, मतलब चेक करके 0 पे, डायरेक्ट फर्स्ट गियर हाँ पे डाल दिया भाई गाड़ी कंट्रोल में। और बस वो कुत्ता छोड़, अमन तेरे गाड़ी का नंबर कैसे निकाला था मैंने? तूने शायद, आई डोंट रिमेम्बर तेरे मम्मी का नाम भी निकाला था, इंश्योरेंस विंश्योरेंस सब। कैसे करा था, आई भूल गया मैं। तूने शायद फोटो देखी थी ना मेरे लाइव नहीं स्टोरी में, फिर तूने कैसे करा था, आई डोंट रिमेम्बर। तो स्टोरी में कुछ डाला ही नहीं अपनी गाड़ी के। मैंने स्टोरी में गाड़ी डाला था एक बार, मेरे पास 20 पैसा है सब दिल्ली वालों का, रिशु के भी गाड़ी का नंबर बता अपने, मेरे घर पे गाड़ी नहीं है, जोक्स कोई ऑन गाड़ी यू। नहीं, गाड़ी नहीं। हाँ तूने बाइक का मेरा बता गाड़ी का दे। स्टोरी से देखा था यार, रियल नहीं कैसे देखा था फिर, मेरी नहीं मतलब पता ऐसे लगा स्टोरी में पाएगा कहाँ भाई पे तू। देखूंगा बता, स्टोरी मैं में तेरी स्टोरी में एक गाड़ी बार का पूरा गाड़ी डाला था आगे से, तो उसमें दिख गया नहीं, होगा। आगे से गाड़ी डाला ही नहीं है कभी, फिर कैसे, तो बाद में बताऊंगा कभी तेरे को अच्छा जब क्या हिम्मत बात चल होगी। रही है भाई, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, डॉक्सिंग करता चलते है हैं भाई, दूरी लीव करता है करते हैं, डॉक्सिंग। टाइम हो गया जब है भी तू, 11:30। जब भी तू मरता रहेगा ना, तभी मैं तेरे को फोन करके बताऊंगा कि कैसा हुआ। चलो ठीक है डन, चल लो एंड बाय, गुड नाइट। करते चलो किसी हाई नोट पे, ग्राफ हाई नोट पे, ओके रिप्ले बढ़ा दो स्ट्रीम का पावड़ी हो रही यार, है। चलो व्हाट्स यार इट, गुड यार, ऋषि एज बोल पावड़ी हो कटिंग रही है बोल। कॉमेडी कर दी प्रियल ने एंड में ना। चलो ठीक है बाय। 10वीं वाले बच्चे जो यहाँ चलो लाइव देख रहे हो, प्लीज घर पे जाके पढ़ाई करो, ये तो यहाँ पे बंद करो, सब कुछ अनइंस्टॉल करो, और जाने से पहले एक वीडियो देख लेना उसकी, रोयन रियल में जो सबसे एजेड वाले अंकल है, क्या नाम है उनका, प्रखर गुप्ता नहीं, दूसरे वाले, बिना प्राण, उसने तो छोड़ दिया ना, नहीं, तीसरे वाले, वेदांत श्वेताब, रणबस्ती, श्वेताब, श्वेताब अंकल अंकल की वीडियो देखो और जाके पढ़ाई करो, ये अंकल, हाँ अंकल मैं अंकल ही उसको हो। भाई 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 जी बोलता हूँ उन्हें मैं। चलो बाय, ऑल द बेस्ट, चलो भाई, डिगी हाल रही है, बूझ हाल रहे हैं, दिखी पैंचो बाय, हाल रही डिगी हाल रही है जी, उड्डा था बाय। है।